सब्सक्राइब कीजिए फ्लाई योरसेल्फ चैनल इंग्लिश को अपनी जुबान हिंदी में सीखने के लिए। हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑन बिहाफ ऑफ फ्लाई योरसेल्फ चैनल। गाइस, फ्लाई योरसेल्फ चैनल की तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। व्हाट इज होमोफोन्स? ए डी, इसे हम एड पढ़ेंगे, और ए डबल डी, इसे भी हम एड पढ़ेंगे। यानी दोनों ही शब्दों की स्पेलिंग्स अलग अलग है, लेकिन उनका ध्वनि उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन सेम है। क्लास वन, गाइज, इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हो होमोफोन्स के बारे में। इस चैनल पर आप लोग अगर पहले से जुड़े हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि हम लगातार इस चैनल में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो डालते रहते हैं, जिसे देखकर आप लोग हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसी कड़ी में हमने एक नया चैप्टर आज से शुरू किया है, जिसको इंग्लिश में होमोफोन्स कहते हैं, और ये उसकी पहली वीडियो क्लास है। तो आइए इसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, इसके बाद हम इसे एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। व्हाट इज होमोफोन्स? होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड्स अलाइक बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली। वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड यूजुअली डिफरेंट स्पेलिंग्स इज कॉल्ड होमोफोन्स इन इंग्लिश। गाइज, जैसा कि डेफिनेशन आपने देखा, इससे ये पता चलता है कि होमोफोन्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिसे हिंदी में ध्वनि उच्चारण कहा जाता है, वो अगर एक जैसा हो जबकि उन शब्दों की स्पेलिंग्स अलग अलग हो तो उसे होमोफोन्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे इन दो शब्दों को देखिए, ए डी, इसे हम एड पढ़ेंगे, और ए डबल डी, इसे भी हम एड पढ़ेंगे। यानी दोनों ही शब्दों की स्पेलिंग्स अलग अलग है, लेकिन उनका ध्वनि उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन सेम है। अब आप इन शब्दों को, यानी ए डी और ए डबल डी, अब आप इन शब्दों को जब पढ़ेंगे तो इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा, जबकि दोनों की स्पेलिंग्स अलग अलग है, इसीलिए इन्हें हम होमोफोन्स कहेंगे। दोस्तों, होमोफोन्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी और आप लिखते समय दूसरा वर्ड लिख देंगे तो आपके सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे इन्हीं दो शब्दों को ही ले लीजिए, ए डी, इसका अर्थ है विज्ञापन, जबकि ए डबल डी, इसका अर्थ है जोड़ना। अब अगर मान लो आपको लिखना है कि मुझे वीडियो के दौरान विज्ञापन नहीं पसंद है, तो आपको लिखना चाहिए कि आई डोंट लाइक एड ड्यूरिंग द वीडियोस। बट अगर आप बाई मिस्टेक ए डी की जगह ए डबल डी वाला एड लिखेंगे तो आपका अर्थ ही गलत हो जाएगा, और आप जो बोलना चाह रहे थे उसका अर्थ वैसा अब नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि आई डोंट लाइक एड ड्यूरिंग वीडियोस, तो इसका मतलब है कि मुझे वीडियो के दौरान जोड़ना पसंद नहीं, जबकि आप बोलना चाह रहे थे कि मुझे विज्ञापन पसंद नहीं। इसीलिए आपको होमोफोन्स की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम इसे डिटेल्स में समझते हैं। हम होमोफोन्स की हर एक क्लास में 5 होमोफोन्स मीनिंग्स के बारे में पढ़ाएंगे। आप इन मीनिंग्स को याद करते चलें ताकि आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होती चले। तो चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। नंबर 1, बॉल, बी ए डब्ल्यू एल, बॉल मीन्स चिल्लाना। एग्जाम्पल्स, Why are you bawling like this? हिंदी अर्थ, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? Number 1, ball, B-A-L-L, ball means गेंद। Examples, I need that ball right now. हिंदी अर्थ, मुझे अभी वह गेंद चाहिए। Number 2, C-A-R-O-T, carrot means गाजर। एग्जाम्पल्स, कैरेट इज गुड फॉर हेल्थ। हिंदी अर्थ, गाजर सेहत के लिए अच्छी होती है। नंबर 2,
CARET, कैरेट मीन्स कैरेट या फिर हस्पद चिन्ह. एग्जाम्पल्स, दिस इज 24 कैरेट गोल्ड. हिंदी अर्थ, यह 24 कैरेट का सोना है. नंबर 3, DUAL, डॉल मीन्स दोहरी. एग्जाम्पल्स, माई फोन हैज डॉल कैमरा. हिंदी अर्थ, मेरे फोन में डॉल कैमरा है, यानी मेरे फोन में दो कैमरे हैं. नंबर 3, DUEL, डॉल मीन्स द्वंद युद्ध. एग्जाम्पल्स, डिड यू रीड अबाउट डॉल. हिंदी अर्थ, क्या आपने द्वंद युद्ध के बारे में पढ़ा. नंबर 4, EYE, आई मीन्स आंख. एग्जाम्पल्स, ही हैज वन आई. हिंदी अर्थ, उसकी एक आंख है. नंबर 4, आई मीन्स मैं. एग्जाम्पल्स, आई लाइक इंग्लिश. हिंदी अर्थ, मुझे अंग्रेजी पसंद है. एंड नंबर 5, FLEW, फ्लू मीन्स उड़ गया. एग्जाम्पल्स, द बर्ड फ्लू. हिंदी अर्थ, चिड़िया उड़ गई. नंबर 5, FLU, फ्लू मीन्स संक्रामक, जुखाम या बुखार. एग्जाम्पल्स, ही हैज फ्लू. हिंदी अर्थ, उसे फ्लू हो गया है. तो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू वॉन्ट मोर सच वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ. एंड ऑफकोर्स प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोज ऑन टाइम. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग आवर वीडियो एडिटिंग और एनीथिंग एल्स, काइंडली रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर ओपिनियन बाई पुटिंग अ कमेंट अंडर द वीडियो कमेंट सेक्शन. गाइज, इसके दूसरे पार्ट में हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद फ्लाई योरसेल्फ चैनल. हे, बिफोर गोइंग फर्दर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. सो कीप इन टच एंड वॉच. गाइज, अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है और आपको दिए गए रूल्स में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं समझ आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर की बेसिक सीखिए. और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप पहले हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए.